शाहजहाँपुर जिले के मोहन भदौड़िया अस्पताल का मामला है, जहां पर शाहजहाँपुर जिले के मोहन भदौड़िया अस्पताल में प्रसूता की जान लापरवाही से चली गई है। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जो कि मोहन भदौड़िया के अस्पताल में हुई थी, लेकिन यहां पर ठीक से देखरेख नहीं होने के कारण महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई है। मेरी सिस्टर भावना नाम की, हम करूला से उसको हमने सुबह लगभग दो ढाई बजे फ़ोन लगाया था, गाड़ी आ गई थी 108 और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई थी और डॉक्टर वगैरह ने सब ने बोला कि सब कुछ व्यवस्थित है, ठीक है। और 8-8:30 बजे तक बढ़िया थी, कुछ घबराहट हुई थी कि हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है और आराम हो जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे वापस बोला कि ये ज़्यादा सीरियस, इसको रेफ़र करना पड़ेगा। फिर हमने 108 पे बार बार फ़ोन लगाया सर, पर उपलब्ध नहीं हो पाई। और जब 108 को मैंने पुनः फ़ोन लगाया तो उन्हें बोला कि हम आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी, मगर एम्बुलेंस नहीं आई। फिर मैंने फिर फ़ोन लगाया तीसरी बार तो उन्होंने बोला, वो एम्बुलेंस वाले के नंबर उन्होंने दिए थे ड्राइवर के, वहीं से 108 पे लगाया, उसी पर बात हुई। जो नंबर उनके ड्राइवर के दिया था उस पर तो फ़ोन नहीं लग पा रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं रेलवे क्रॉसिंग गया हूँ, यहाँ अभी ट्रेन आ गई है तो यहाँ फ़ोन आ जाऊँगा, वो नहीं आए। फिर हम निजी वाहन करके लाए और वो अस्पताल से एक सिलेंडर गैस का और बाटल वगैरह लिए, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, लो मतलब उसका बीपी लो हो चुका था। और यहाँ आते आते अस्पताल में लाते लाते उसने दम तोड़ दिया सर। कहाँ पे हुई थी डिलीवरी? ये डिलीवरी सर मोहन भदौड़िया सामुदायिक हॉस्पिटल में हुई थी सर। गंभीर है? नहीं नहीं, पहले नहीं बताया था कि सब हो जाएगा, थोड़ी बहुत ये है कि कमजोरी के कारण इसको। और डॉक्टर साहब तो वहाँ जो मेन डॉक्टर साहब थे वो तो थे ही नहीं, मतलब डिलीवरी वाली जो सिस्टर वगैरह थी और एक डॉक्टर साहब कोई वर्मा जी करके थे, ये दोनों थे सर। शाहजहाँपुर से दिलीप स्वराष्ट्र की रिपोर्ट।